2019 महाराष्ट्र बैंक विच होए 4500 करोड़ के घोटाले नूं अज 10 महीने हो गए हैं। यह घोटाला HDIL कंपनी वालों किया गया सी। इस दे बावजूद बैंक 8500 करोड़ की प्रॉपर्टी HDIL कंपनी की वसूल चुका है और कंपनी के अधिकारियों नूं भी जेल हो गई है, पर बैंक हुण अपने उपभोक्तावां दे पैसे नहीं दे रहा। अज 10 महीने हो गए, लोग काफ़ी परेशान हैं, पर बैंक वालों कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन लोगों ने देश की सरकार अते वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम नाल ही RBI दे गवर्नर उपर भी सवाल चुके हैं कि यह सब भी साडे लोगों की सार नहीं लै रहे, जिस दे चलदिया इन्हों लोगों ने अज दिल्ली दे टेल चौंक मैट्रो स्टेशन तो लैके RBI दे मुख दफ्तर के बाहर धरना किया। लोगों ने चौकीदार चोर अते साडे पैसे वापस दिओ दे नारे भी लगाए। दस दिए कि बैंक की इस माड़ी नीति कारण हुण तक 51 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है अते 6 के करीब लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं। हुण कोरोना वायरस की महामारी के चलदिया भी ये लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इन्हां लोगों ने इत्थों तक कह दिता है कि असी मरण नूं तैयार हैं, जेकर सरकार ये चाहती है तो असी कुरबानी जरूर देवांगे, पर सानू साडा पैसा वापस चाहिए। नाल ही लोगों ने कहा कि सरकार इन्ने राहत पैकेज वंड रही है कि ये कुछ पैसा बैंक नूं दे के उसनूं दोबारा चालू या फिर मर्ज नहीं कर सकते, जिस नाल सानू राहत मिल सके। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये माइनॉरिटी वालों की आवाज़ को सुनती है? मिडिल क्लास को क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप एक और माइनॉरिटी को जन्म देने की खुद कोशिश कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम आपके घर के आके खुदकुशी करें? जैसे क्या उन लोगों ने कर लिया है, ऐसा क्यों? आप लोन लेने जाओ तो 50 इंक्वायरियां होती हैं, और मेरे ख्याल से 10 बंदे लोन लेने जाएंगे तो शायद एक बंदे को लोन मिलेगा। तो इन लोगों को कैसे करोड़ों रुपए दे दिया? कुछ इनकी सिक्योरिटी रखी थी तभी पैसा दिया था ना, तो वो सिक्योरिटी को कैश करके जो परेशान हो रहे हैं इन सबको पैसा वापस किया जाए, क्यों नहीं देते? इसका मतलब चौकीदार चोर है। वी वांट हम लोगों को परेशान होते होते क्या हमारी जब कोई भी कोई कहीं पर किसी का एक्सीडेंट होता है या एक सुशांत सिंह राजपूत मरता तो मोदी जी ट्वीट करते हैं, अमित शाह जी ट्वीट करते हैं। आज 11 महीने हो गए, हर रोज़ 500 से 1000 ट्वीट सब रोज़ करते हैं, हमारे ट्वीट पे कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल साइलेंट। पहले आप ये तो आप क्लियर करो कि आपकी नीयत है देने की, या तो आप साफ बताओ कि मैं नहीं दूंगा, हम सारे आप खुदकुशी कर लेंगे, हम अपने अपने आप जान दे देंगे। जहाँ बोलो RBI के सामने, पार्लियामेंट के सामने बहुत लोग हैं जो अपने आप जान देने को तैयार हैं, पर क्या पैसों के बिना ज़िंदगी जी जा सकती है क्या? सीनियर सिटीज़न है, उनके बीमारी है, परेशानियाँ हैं, लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया, व्यापार धंधे हैं नहीं, पर यहाँ तो कोई एक एश्योरेंस नहीं मिल सकती क्या हमें आज 11 महीने में कि ठीक है बच्चों आपका पैसा सुरक्षित है, 6 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में आपको हम पैसा वापस करेंगे? क्या ऐसा बोलने में भी कुछ घिसता है क्या? जो डेथ हो गई, जिन छः लोगों ने सुसाइड किया है, क्या उनको आप कंपनसेट करेंगे? उनकी फैमिली को कंपनसेट करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, क्यों नहीं बोलते आप? पैसा जो बैंक था वो RBI के ऊपर, उसके ऊपर लिखा हुआ है लाइसेंस्ड बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमें नहीं मतलब है इस बात से, ए स्टार का बैंक था, 5-स्टार रेटिंग थी, टॉप मोस्ट कोऑपरेटिव बैंक में से एक था। हम और क्या करते? हमसे पूछ के लोन नहीं दिया गया था, जो हमसे पूछ के रिकवरी होगी, हमें किस बात की सज़ा है? हमने तो किस बैंक बात? समझ के पैसा जमा किया। तो कह रहे थे वो चौकीदार हैं, क्या झपकी लग गई जब PMC में पैसा उड़ गया? क्या कर रहे थे? हमारा पैसा कहाँ गया? अब कोरोना वायरस की महामारी भी चल रही है। अरे कोरोना वायरस से बाद में आए हमारे, ये तो 11 महीने हो गए, तो मजबूरी है, कोरोना वायरस है। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये भ्रष्टाचार वायरस है। आप खुद सोचिए, पिछले सितंबर से अब तक आपने हमें क्या दिया है? हम लोग भीख मांगने के भी काबिल नहीं रहे, आपने हमारा सारा पैसा जो है वो अंदर दाब लिया। आप लोगों को 1,76,000 करोड़ देते हैं, 5,000 करोड़ रुपया देके इस बैंक को क्या आप मर्ज नहीं कर सकते? क्या आप रिवाइव नहीं कर सकते? आपको शर्म नहीं आती है? हम सब वोट लेके पूरी सरकार बना के हमको ही धोखा दे रहे हो? ठीक है, कितने लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, जो हमारा होगा परमात्मा जाने, RBI जाने या हमारे मोदी जी जाने। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आज मोदी जी इंडिपेंडेंस डे पे खड़े होके वहाँ से कहते हैं जी मैम कोऑपरेटिव बैंकों के लिए कुछ कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, तो जो इतने लोग अभी फंसे हुए कल को उन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा, बैंकों पर 1400 बैंक है कोऑपरेटिव बैंक, उन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगेगा, तो वो भी हमारी तरह आएंगे, तो क्या कर रहे हैं? जवाब देना, जब एक चीज़ जो ख़राब हो रखी है उसको तुम सही नहीं कर पा रहे हो, तुम आगे जो वो बचाने की क्या बात करते हो? जवाब दे मोदी जी, जवाब दे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यस बैंक को दस दिन में करते हो, क्या चाहते हो हम यहाँ पे आके आत्मदाह कर ले क्या? कौन कौन चाहता है, कौन चाहता है बदले? हमें पता है, हम उतने बंदे इकट्ठे कर रहे थे कि चलो ये मानेंगे 10 के मरने से अगर 10 लाख बंदों का फायदा होता है तो 10 जने की कुर्बानी देने को तैयार है। मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ,
मेरे भाई साहब कुर्बानी देने को तैयार है, हम यहाँ पे अपने आप को पेट्रोल डाल के छाड़ने को लिए तैयार है, कोई बात नहीं। अगर हम दो के सड़ने से अगर 20 लाख का फायदा होता है तो कोई बात नहीं, परवाह नहीं ऐसी शादत हमें। सर 11 महीने हो चुके हैं, हमने सारी उम्र की कमाई पीएमसी बैंक में रखी है जो कि रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत बैंक है, और आज हमारे पास अपने घर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और हम दर दर भीख मांगने के लिए हो गए हैं मजबूर। और ये यस बैंक हुआ, उसको एक ही वीक के अंदर अंदर उसको रिवाइव कर दिया गया। क्यों ऐसा, क्यों भेदभाव हमारे साथ है? हमारा भी टैक्स पेड पैसा था, हम भी नंबर एक के पैसा जमा कराने वाले हैं, बैंक में पैसा जमा कराया है, हमारे साथ भेदभाव क्यों? अगर बैंकों से ही विश्वास उठ जाएगा लोगों का तो कैसे देश चलेगा, ये देश तरक्की कैसे करेगा, इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी? ये मोदी जी को सोचना चाहिए। हमने मोदी जी को वोट दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, क्या यही अच्छे दिन दिखा रहे हैं हमें कि हमें अपने पैसे के लिए तरसना पड़ रहा है? कृपया हमारे बैंक को रिवाइव करें या मर्ज करें, हमें जल्दी से जल्दी पैसा दिलवाएं, जो कल्प्रिट्स पकड़े जा चुके हैं उनको फांसी दें, उनको फांसी दें, सजा दें। आप क्यों छोड़ रहे हैं उनको? क्या वो आपकी पार्टी के लोग हैं क्या? इस सरकार को सोचना चाहिए। जब कल्प्रिट भी पकड़ लिए हैं, उनकी जायदाद भी जब्त कर ली है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? हमें हमारा पैसा दीजिए।